नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15, 16 और 17 जुलाई के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। जी दोस्तों, यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों में और भी ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 15 जुलाई की बात करें तो दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और उत्तल फाल्गुनी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो वरियान नाम का शुभ योग के साथ ही परिग नाम का भी शुभ योग रहेगा और यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए लाभकारी होंगे। राहु काल का समय दिन दोपहर के 2:12 से लेकर शाम के 3:52 रहेगा। दोस्तों, यश में आपको भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें और इसके उपरांत दोस्तों दिन जन्मा जो है सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। वहीं दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों शुक्रवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और इस दिन हस्त नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, इन योग की बात करें तो शिव नाम का दुर्लभ संयोग रहेंगे। जी दोस्तों, राहु काल के समय दिन सुबह के 10:53 से लेकर दोपहर के 12:32 रहेगा। वह दोस्तों चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में ही संचार करेंगे। वही दोस्तों आखिरी दिन 17 जुलाई की बात करें तो शनिवार का दिन होगा, अष्टमी तिथि और चित्रा नाम का नक्षत्र के साथ ही सर्वार सिद्धि नाम से बड़े दुर्लभ संयोग बनेंगे और शादी नाम का भी योग बनेंगे। जी दोस्तों, राहु काल के समय दिन जो रहेगा वह सुबह के 9:13 से लेकर सुबह के 10:53 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन कन्या राशि के उपरांत तुला में गोचर कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव डालती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इन दिनों में संतान की ओर से सुखद समाचार मिलने की वजह से मन जो है इसमें आपका प्रसन्न रहेगा। इन दिनों में आपके व्यवहार में विनम्रता आ सकती है, दूसरों के साथ आप जो है सहयोगात्मक रवैया अपना सकते हैं। यश में आप जो है आपको अतिरिक्त आय की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो इन दिनों में जीवन साथी के साथ कुछ अनबन होने की संभावना है। घर परिवार में सबके साथ जो है मधुर संबंध बनाए रखें और सबके साथ आपसी सामंजस्य बेहतर हो, इसके लिए आप यश में प्रयास करें। घर की स्थिति अच्छी होने से आप किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे आपके लिए मिला जुला रहेगा। दोस्तों, बिना गहन सोच विचार के कोई भी निर्णय न लें, किसी एक्सपर्ट या फिर काउंसलर से इसमें आप सलाह लें, किसी पुराने जो है जानकार से इसमें आपका मुलाकात हो सकता है जो कि आपको नए अवसर से अवगत करवाएगा। इन दिनों में किसी बात को लेकर परेशानियाँ से आप घिरे रहेंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय में आप दुविधा महसूस कर रहे हैं तो दोस्तों किसी से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, इन दिनों में आप अपनी अंतरात्मा का आवाज़ सुने, अपनी जो है भावुकता पर यश में आप नियंत्रण रखें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे करियर के चुनाव के लिए किसी की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, इन दिनों में किसी भी कार्य को जो है पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही स्वीकार करें। दोस्तों, यश में प्रतिष्ठित लोगों के साथ जो है संपर्क हो सकता है। व्यवसायिक दृष्टि से जो है आकस्मिक धन लाभ के योग भी हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी जो है लव लाइफ को लेकर बात करें तो समय मिला जुला रह सकता है। प्रेमी जीवन तो बढ़िया ही कहा जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके प्रेमी संबंधों को कुछ मित्र जो है कानाफूसी कर सकते हैं जिनसे आपका क्रोध और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए आपके परिजनों के साथ किसी बात पर तनाव उत्पन्न हो सकता है। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे कोई रोग परेशान कर सकता है। दोस्तों, ये समय शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ भी रह पाएंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो कोई रोग यश में आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दोस्तों यश में आप शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी
और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। दोस्तों ये जो आपके लिए दिन होंगे दौर धूप वाला दिन होगा। अधिकांश समय व्यवसायिक और निजी संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने में जाएगा। सामाजिक जो है समारोह में आप इस समय भाग लेंगे। आप किसी मांगलिक प्रसंग में उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त गणेश जी कोई विशेष घटना नहीं दे रहे हैं। दोस्तों यश में आपकी जो है वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो आप जो है अपनी हंसी मजाक से सभी का दिल जीत लेंगे। इससे निश्चित रूप से आपकी उत्पादकता में सुधार होगा और इनके चलते आप मजेदार काम कमाई वाली गतिविधियों में भी यश में भाग ले सकते हैं। दोस्तों यश में सहकर्मियों के साथ आप जो है विचारों के आदान प्रदान करने में आनंद लेंगे। इससे आपके जो है पारस्परिक कौशल में सुधार होगा, गणेश जी का यह मानना है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी जो है पारिवारिक जीवन की बात करें तो यदि आप अकेले रहते हैं तो एक शानदार व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है। गणेश जी उन लोगों के लिए एक अच्छे समय का वादा करते हैं जो पहले से ही प्यार में हैं। दोस्तों एक महान रोमांटिक जीवन नसीब में है। आप जो है जीवन के उज्ज्वल भविष्य के बारे में अधिक कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों वहीं इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो गणेश जी का मानना है इन दिनों में आप आनंदहीन सुखों पर बेरहमी से पैसा खर्च करने की संभावना रखते हैं। आपके दिल में खुश होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, पैसे तो केवल एक जरिया होगा। दोस्तों यश में ये जो आपके लिए दिन है आपके पास ऊर्जा का अच्छा स्तर होगा, रचनात्मकता शक्ति अच्छी रहेगी। हालांकि आपको इस पर प्रयोग करना चाहिए, आपको इस पर ऊर्जा को सकारात्मक और जो है रचनात्मक तरीके से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों फलों के जूस या फिर किसी भी अन्य तरल पदार्थ को लेने के लिए ये जो दिन है सही दिन होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में ज़िंदगी के बेहतरीन चीज़ों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे को खोलें। चिंता को छोड़ना इसकी ओर पहला कदम है। दोस्तों जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हैं उन्हें यश में आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों यश में आपको गणेश जी सलाह देते हैं कि अपना नजरिया जो है दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश न करें, क्योंकि न सिर्फ आपके लिए फायदेमंद भरा साबित नहीं होगा बल्कि ऐसा करने से उन्हें आप नाराज भी कर सकती हैं। विवाह प्रस्ताव के लिए ये जो दिन है सही दिन होगा, क्योंकि दोस्तों यश में आपका प्यार जो है जीवन भर साथ के लिए बदल सकता है। दोस्तों इन दिनों में आप किसी बड़े व्यावसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का जो है संयोजन कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर जो है आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की आप कोशिश करने में लग जाते हैं। दोस्तों इस लिहाज से आपके लिए जो ये जो दिन है आपके लिए बहुत ही उम्दा रहने वाला है। दोस्तों आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवनसाथी के साथ इन दिनों के शाम में वाकई कुछ खास होने वाला है। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप जो है हनुमान जी के मंदिर में बूंदी व फिर लड्डू के प्रसाद चढ़ाएं। इससे दोस्तों आपकी जो फैमिली लाइफ में जो दिक्कतें आती है वह दूर होंगी, तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे आपको जो है देवी के 108 नामों का नित्य स्मरण करना चाहिए। यह कार्य वर्ष भर आप जरूर करें। हरे गणपति घर के पूजन स्थल में स्थापित करें। ऋण हर्ता गणपति स्तोत्र का भी पाठ करें। यदि ऋण है तो दोस्तों जल्दी वह भी समाप्त हो जाएंगे, आप ऋण से मुक्ति पाएंगे। ओम ह्रीम गृहिणी सूर्य आदित्याय श्री का नित्य सूर्य उदय के समय 3 माला लाल चंदन की माला से करें। जय दोस्तों यह जाप आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी को प्रतिदिन लाल पुष्प भी आप जरूर अर्पित करें। दूध से निर्मित जो है नवेद का भोग लगाएं। दोस्तों इन सभी से आपको धन लाभ होने वाले हैं, तो दोस्तों इन उपायों को यश में आप शुरू करें, बहुत ही लाभकारी उपाय हैं। और शायद दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।